सो हे हेलो 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 गाइस, तो वापस से आ गए हैं टेक्स गेमिंग के एक न्यू वीडियो में। तो यार आप सभी के सभी बंदे होप करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त खेल रहे होंगे, फ्री फायर हीरोइक जा रहे होंगे, ग्रैंड मास्टर जा रहे होंगे। तो गाइस आज वापस से एक न्यू वीडियो में आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो हमारा लेटेस्ट अपडेट्स आने वाला है, उस सारी लीक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो शायद 7-8 मिनट की हो, ज़्यादा लंबी होगी, मगर मैं छोटे से छोटा करने में पॉसिबल करूँगा कि छोटे से छोटे में जल्द जल्दी बता दूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले हमारी लीग्स के ऊपर। तो हमारा है रैंक सीज़न, जो है क्लैश स्क्वाड रैंक सीज़न, वो हमारा न्यू आने वाला है। कब से आने वाला है? 7 30 30 तारीख को, 7 मंथ के, 17 SGST, यानी कि आने वाला है कुछ दिन में, बस 30 तारीख को आने वाला है। फिर क्लैश स्क्वाड के स्टोर को जो है उसको अपडेट किया गया है, यानी कुछ नया गन्स आई होंगे, कुछ नया गन्स हटा दी गई होंगी, वैसा हुआ होगा। फिर यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है क्लैश स्क्वाड में एक न्यू आइटम जिसका नाम है हॉरिजेलाइन रिवाइव किट, उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उससे गाइस उससे आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हो। जैसे कि आपके बंदे फाइट ले रहे हैं और आप डाउन हो गए, तो उसको अगर आप परचेस करके रखे रहोगे, ग्रेनेड जैसे आएगा वो भी स्टोर में क्लैश स्क्वाड के, और अगर आप उसे परचेस किए रहोगे तो वो आप उससे अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो, और उसको उससे आपको रिवाइव करने पर 100 HP पहले से मिलेगी। रिवाइव होगी जैसे तो 20 HP मिलती रिवाइव होने पे, तो उसमें 100 HP मिलेगी। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्लैश स्क्वाड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेस जो हमारा एम असिस्ट था, एम असिस्ट को सही कर दिया है गरेना ने। उसमें जैसे कि डाउन प्लेयर पे हम जैसे मारते थे डिफ़ॉल्ट पे, तो वो डाउन प्लेयर पे कई बार लॉक हो जाता था, और जो बंदा हमको डैमेज दे रहा है उसको हम नहीं मार पाते थे, जिससे हमारा जो मैच था वो हम हार जाते थे। तो उसको गरेना ने सही किया है, उसने पहले उसको प्रायोरिटाइज किया है, जो बंदा फाइट ले रहा है उसको उसके ऊपर जाएगा अब डिफ़ॉल्ट। तो गरेना ने ये काम बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर, तो गेम प्ले में। तो यहाँ हमको देखने मिल रहा है एक न्यू स्पॉन आइलैंड जिसका नाम होगा द रनवे। तो द रनवे एक न्यू स्पॉन आइलैंड है, तो यहाँ पे मिलने वाला है एक न्यू स्पॉन आइलैंड। फिर उसके बाद मिलने को है हमारा वो क्राउच एंड क्राउच, जो हेडशॉट पड़ता है उसका डैमेज कम कर दिया गया, बहुत सही। कुछ बंदे हैं जिस जो बहुत जल्दी मार देते थे हेडशॉट क्राउच एंड क्राउच से, तो ये चीज़ सही कर दिया गया। फिर व्हीकल का अपडेट कर दिया गया, व्हीकल अपडेट में स्पीड का बढ़ा दिया गया है, तो जो हमारी बाइक है उसको 120 किलोमीटर से 130 किलोमीटर पर आर के स्पीड से वो चल सकती है। जो जीप है हमारी वो 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर पर आर तक चल सकती है। जो टुक टुक है वो 90 to 100 किलोमीटर पर आर से चल सकती है। और जो हमारी ब्लू वाली कार है SUV, वो चलेगी 130 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर पर आर उसकी स्पीड। और यहाँ कुछ नया इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो कार जब हम ड्राइव करेंगे तो एक नया इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि कार जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे कैमरा एंगल जो है वो जूम होता जाएगा कार के पास। तो ये कुछ रियलिस्टिक करके फ्री फायर की टीम ट्राई की है कुछ अच्छा करने का, तो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर अगला अपडेट्स आ रहा है ग्लाइडर, जैसे कि कुछ प्लेयर्स हैं ग्लाइडर से कहीं कहीं छुप जाते कैम कर लेते हैं, तो ये चीज़ गरेना ने सही किया है। ग्लाइडर की जो एबिलिटी थी उसको कम कर दी गई है ग्लाइडर से, यानी कि हम उड़ेंगे, उड़ सकते हैं मगर बहुत जल्दी खिंचाएंगे नीचे। और फिर आगे आते हैं, तो अब हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि हमको देखने को मिलेगा एक न्यू वेपन जिसका नाम ऑग होगा। तो गैस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक न्यू वेपन जिसका नाम ऑग होगा। तो गैस ये OP लेवल का गन है, इसमें पहले से 2x अटैच्ड आएगा, 35 राउंड्स होंगे, यानी 35 गोली एक बार में मारेगा, और डैमेज रेशियो इसका होगा 31, मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 35, रेट ऑफ फायर होगा 147, और पहले से इसमें 2x लगा होगा। एक एक ही गन की एबिलिटी कम कर दी गई है, डैमेज कम कर दिया गया है, रेट ऑफ फायर कम कर दिया गया है, और इसकी प्रिसाइज हेडशॉट को भी कम कर दिया गया है। फिर फार्मास की बात करते हैं, तो फार्मास का भी रेट ऑफ फायर कम कर दिया गया है, डैमेज कम कर दिया गया है। अब मूवमेंट स्पीड वाइल शूटिंग, यानी जब हम शूट कर रहे हैं तो 10% इंक्रीज़ हो गया स्पीड, तो ये अच्छा लगा मुझे, पर्सनली फेवरेट है। फिर यहाँ बात कर लेते हैं M249, तो इसका भी कुछ कुछ डैमेज कम कर दिया गया है,
और रिकॉइल इसका कम कर दिया गया है, -18% कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, रिकॉइल नहीं होगा। स्पास में भी कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं और यहाँ पे एक्समेट में भी चेंजेस किए गए हैं, एक्समेट का रेट ऑफ फायर कम कर दिया गया है। और अब यहाँ पे हमको नया नया मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिग हेड मोड, और यहाँ पे गन किंग स्क्वाड, और 4v4 कैरेक्टर और पेट्स। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है लुक्वेटा, वो स्टोर पे अवेलेबल होगा और उसका जो वॉइस होगा वो होगा आर यू रेडी फॉर ए हैट्रिक, वो एक फुटबॉल प्लेयर है। और हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक न्यू पेट, पेट का नाम होगा मिस्टर वेगोर। तो वेगोर का पेट का एबिलिटी ये होगा कि आपका जो ग्लूवॉल है उस ग्लूवॉल को वो रीजनरेट कर देगा, जैसे एक दो होगी तो उसको 4-5 कर देगा, चार्ज होगा। और यहाँ हमको नया हैटो देखने को मिल जाएगा, फिर उसके आगे हमको क्लैश स्क्वाड में न्यू गन मिलेगी, G18 का न्यू स्किन मिलने वाला है वो मैं लगा दूंगा, न्यू गोल्ड रॉयल भी आने वाला है वो भी मैं इमेज लगा दूंगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना यार। न्यू गोल्ड रॉयल और न्यू इनक्यूबलेटर का बैकपैक आने वाला है तो वो भी लगा दूंगा इमेज, न्यू गन का जो न्यू इनक्यूबलेटर में न्यू बैकपैक आने वाला है। और बात कर लेते हैं ग्रोज़ा की, तो यहाँ पे ग्रोज़ा का एक न्यू स्किन आ रहा है जो कि बहुत ओपी लेवल का है, उसका अच्छा एबिलिटी है, बहुत ओपी लेवल का है। तो गाइस जो भी बंदे न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक्स, तो आई होप सभी के सभी बंदे सपोर्ट करेंगे और लाइक एम कंप्लीट कर देंगे। और जल्दी से यार 3K के बहुत करीब है, तो 3K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करवा दो, फिर वहाँ से गिव अवेज होंगे, रिडीम कोड्स होंगे, DJ आलोक मेंबरशिप, और गाइस गिल्ड टूर्नामेंट भी होने वाला है। और जिसको व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना या फिर कमेंट डाउन कर देना, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, मैं सबको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।